लोई का कठपुतली का खेल। पेपा और उसका परिवार अंकल पिग, आंटी पिग और कजिन क्लोई से मिलने जा रहे हैं। मुझे लगता है अंकल पिग हमेशा की तरह लंच खाने के बाद सो जाएंगे। डैडी पिग, आपको अपने भाई के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, खासकर बच्चों के सामने। पर सही तो है, अंकल पिग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और जोर जोर से खर्राटे मारकर सो जाते हैं। ये ऐसे पेपा, जॉर्ज, मैंने जो कहा वो सब भूल जाओ। ठीक है डैडी। पेपा और उसका परिवार अंकल पिग और आंटी पिग के घर पहुंच गए हैं। हेलो आंटी पिग, हेलो अंकल पिग। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हो, तुम कैसे हो? अंकल पिग डैडी पिग के भाई हैं। क्लोई पिग पेपा और जॉर्ज की बहन है। हेलो क्लोई। हेलो पेपा, हेलो जॉर्ज, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। हमारे लिए रुको। ये है मेरा नया कठपुतली यानी पपेट थिएटर, मेरे डैडी ने मेरे लिए बनाया है। वाह! मैंने दो पपेट्स पहले ही बनाए हैं। इसका नाम है क्लोई। हेलो, मैं हूँ क्लोई पिग। और ये है मेरे डैडी अंकल पिग। हेलो पेपा, मैं हूँ अंकल पिग। क्लोई, क्या मैं और जॉर्ज भी पपेट बना सकते हैं? हाँ। क्लोई पपेट की आंखें पेंट कर रही है। मैं मुंह बनाऊं? हाँ बनाओ। मेरा नाम पेपा है। जॉर्ज, तुम्हें कौन सा पपेट बनाना है? डायनासोर। क्या डायनासोर? जॉर्ज हर चीज के लिए डायनासोर ही कहता रहता है। ठीक है, डरावना डायनासोर पपेट बनाते हैं। क्लोई जॉर्ज के लिए डायनासोर बना रही है। इसे नुकीले दांत चाहिए, ऐसे। डरावना डायनासोर। लंच तैयार है। आ रहे हैं। खाने के बाद हम सबको पपेट शो दिखाएंगे। आंटी पिग ने खाने में नूडल्स बनाए हैं। ये नूडल्स तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। अब तक के सबसे बेस्ट नूडल्स। तुम दोनों भाई भाई हो, ये पता चल रहा है। हर चीज में एक जैसे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? हम बिल्कुल अलग हैं। पेपा, जॉर्ज और मैं सबको एक पपेट शो दिखाने वाले हैं। बहुत अच्छे, तैयारी हो जाए तो बताना। बाद में मिलते हैं। पपेट शो, मजा आएगा। क्या और नूडल्स खाने के लिए वक्त है? क्या मैं भी खा सकता हूँ? पपेट शो शुरू होने वाला है। हेलो, मेरा नाम है क्लोई। और मैं हूँ पेपा। एक डायनासोर। डरावना डायनासोर। क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चों। बहुत अच्छे। मैं हूँ अंकल पिग। हेलो अंकल पिग। हेलो पापा। ये तो बिल्कुल आपकी तरह लग रहा है। लग रहा है उन्होंने मेरा पेट बहुत बड़ा बना दिया। मुझे मेरा लंच पसंद आया। अंकल पिग, क्या अब आप सो जाएंगे और हमेशा की तरह खर्राटे मारेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? डैडी कहते हैं कि आप हमेशा सोते हैं और जोर से खर्राटे मारते हैं, ऐसे। तुम्हारे डैडी सही कहते हैं, मैं सचमुच खर्राटे मारता हूँ। डैडी पिग, आपको अंकल पिग के बारे में ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। मुझे नहीं लगता ये दोनों कुछ भी सुन रहे होंगे। डैडी पिग और अंकल पिग सो गए हैं। पता चल रहा है दोनों भाई भाई हैं। क्या हुआ? ये क्या, पपेट शो अभी तक शुरू नहीं हुआ? मेरी बहन क्लोई। पेपा और जॉर्ज बगीचे में खेल रहे हैं। मेरी तरफ फेंको। तुमने बहुत जोर से बॉल फेंका जॉर्ज, तो रूल के हिसाब से मैं जीत गई। अब मेरी बारी। मैं फिर से जीती। पेपा, जॉर्ज, आज तुम्हारी बड़ी बहन क्लोई हमसे मिलने आ रही है। यप्पी, क्लोई। जॉर्ज,
क्लोई मेरी जैसी बड़ी लड़की है, तो अगर वो तुम्हें छोटा समझकर तुम्हारे साथ ना खेले तो बुरा मत मानना। मुझे यकीन है क्लोई तुम दोनों के साथ खेलेगी। क्लोई आ गई, ये। आंटी पिग दिन बिताने के लिए क्लोई को पेपा के घर लाई है। क्लोई पेपा और जॉर्ज की कजिन बहन है। क्लोई पेपा और जॉर्ज से थोड़ी बड़ी है। हेलो क्लोई। हेलो पेपा। हेलो जॉर्ज। हो, मिलते हैं बाद में। तुम्हें कोई गेम खेलना है? हाँ, चलो पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। पेपा को पकड़ा पकड़ी बहुत पसंद है। तुम अभी भी पकड़ा पकड़ी खेलती हो? ये तो छोटे बच्चों का खेल है। ओह, हम ये खेलते हैं क्योंकि जॉर्ज को ये खेल पसंद है। ठीक है, जॉर्ज के लिए खेलते हैं। तो फिर तुम असली रूल्स के साथ खेलती हो या फिर वो बच्चों वाले रूल्स के साथ? असली रूल्स के साथ। मैं शुरू करती हूँ। पकड़ने की बारी तुम्हारी। हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। पेपा को, क्लोई और जॉर्ज को पकड़ना है। पकड़ सको तो पकड़ लो। जॉर्ज, मैं तुम्हें आसानी से पकड़ सकती हूँ। तुम कितने छोटे हो। ये गलत है, तुम जॉर्ज की मदद कर रही हो। क्योंकि वो बहुत छोटा है। क्या मैं तुम्हारी भी मदद करूं? नहीं, मुझे मदद की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी तरह बड़ी हूँ। तो फिर चलो पेपा, हमें पकड़ कर दिखाओ। तुम नहीं पकड़ पाओगी। चलो पकड़ो हमें। ये बहुत ही बकवास गेम है, कुछ और खेल सकते हैं? ठीक है, मैं बड़े बच्चों के लिए एक अच्छा गेम जानती हूँ। उसका नाम है चतुर लोमड़ी। चतुर लोमड़ी? मुझे खेलना है चतुर लोमड़ी। कैसे खेलते हैं? एक खिलाड़ी होगा चतुर लोमड़ी और दूसरे उस पर झपट पड़ेंगे। मुझे 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 बनना चतुर लोमड़ी। पेपा है चतुर लोमड़ी। जब उसका ध्यान नहीं होगा तब दूसरे उस पर चुपके से झपट पड़ेंगे। पर अगर पेपा ने मुड़कर किसी को हिलते हुए देखा तो उन्हें दोबारा पीछे से शुरुआत करनी होगी। जॉर्ज, मैंने तुम्हें हिलते हुए देखा, पहले से शुरू करो। पकड़ लिया, मैं जीत गई। लेकिन मैं रेडी नहीं थी। रूल्स के हिसाब से मैं जब चाहूँ हिल सकती हूँ, है ना जॉर्ज? अब चतुर लोमड़ी बनने की बारी क्लोई की है। पेपा और जॉर्ज को बिना हिले रहना होगा। पेपा, मैंने तुम्हें हिलते हुए देखा, फिर से शुरू करो। ये गलत है, तुमने बहुत देर तक देखा। रूल्स के हिसाब से मैं जितनी देर चाहूँ देख सकती हूँ। दोबारा शुरू करो। जॉर्ज जीत गया। क्या हम कोई और खेल खेलें? हाँ, पर वो बड़ों का गेम होगा तो ही। मैं बताती हूँ, मेरा फेवरेट गेम खेलते हैं, वो बड़ों का ही खेल है। जॉर्ज, क्या तुम्हें पेपा की फेवरेट गेम पता है? पेपा का फेवरेट गेम है मिट्टी के गड्ढों में ऊपर नीचे कूदना। जॉर्ज, अगर तुम्हें गड्ढों में कूदना है तो तुम्हें जूते पहनने होंगे। ये लो, मैं तुम्हारे लिए भी जूते लाई हूँ क्लोई। मिट्टी के गड्ढों में कूदने के लिए मैं बहुत बड़ी हूँ। ओह, मैं भी। जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढों में कूदना बहुत पसंद है। असल में पेपा को गड्ढों में कूदना बहुत पसंद है, पर उसे क्लोई को दिखाना है कि वो बच्ची नहीं रही। मैं देख रहा हूँ कोई गड्ढों में कूद रहा है। मम्मी पिग और डैडी पिग को भी मिट्टी के गड्ढों में कूदना बहुत पसंद है। ये मजेदार दिख रहा है। हाँ, वो तो है। शायद ऐसा कोई रूल है जिसके मुताबिक बड़ी लड़कियाँ भी मिट्टी के गड्ढों में कूद सकती है। हाँ, ये अच्छा रूल है। चलो रेस लगाए। चलो रेस लगाए। पेपा और क्लोई को मिट्टी के गड्ढों में कूदना बहुत पसंद है। सबको मिट्टी के गड्ढों में ऊपर नीचे कूदना पसंद है, बड़ी लड़कियों को भी। बच्चे संभालना। मम्मी पिग और डैडी पिग शाम को घूमने जा रहे हैं। दादी पिग और दादा पिग बच्चों को संभालने वाले हैं। दादी पिग, दादा पिग, दादी एक, दादा एक। हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हेलो। पेपा, जॉर्ज, चलो सो जाओ जल्दी। गुड नाइट मेरे छोटे पिगीज। गुड नाइट, सो जाओ बच्चों। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट डैडी। कितने प्यारे बच्चे हैं। अब जल्दी से सो जाओ। जी मम्मी। कितने अच्छे बच्चे हैं। मम्मी पिग और डैडी पिग बाहर जाने के लिए तैयार हैं। पापा और
और जॉर्ज कितने अच्छे हैं। मम्मी पिग का कहना मान लिया और दोनों सो गए। इन बच्चों को संभालना बहुत आसान है। जॉर्ज, जॉर्ज, क्या तुम जाग रहे हो? ये कैसी अजीब आवाजें हैं? शायद हमें ऊपर जाकर देख लेना चाहिए। पेपा, जॉर्ज, क्या तुम जाग रहे हो? लगता है दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। ओह, तो इसका मतलब वो शोर पेपा और जॉर्ज नहीं कर रहे थे। अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है वो गहरी नींद में सो गए हैं। चलो थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं। गार्डनिंग, आज हम गुलाबों के बारे में बात करेंगे। मुझे गार्डनिंग के शो बहुत पसंद हैं। कैप्सकेट एक विशेष कांटेदार गुलाब है। उसकी कटाई करने के लिए सबसे पहले उसका ऊपरी हिस्सा काटो और फिर टहनियां काटो। दादा पिग, पेपा, जॉर्ज, तुम्हें तो अभी सोना चाहिए। जॉर्ज और मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही। क्या हम आपके साथ टीवी देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, शायद थोड़ा टीवी देखकर तुम्हें नींद आ जाए। आइसलैंड के गुलाब किसी ज्ञानी गार्डनर के लिए बहुत मायने रखते हैं, पर ज्यादातर वो ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं। ये शो तो बहुत ही बोरिंग है। दादा पिग, क्या हम वो खेल खेल सकते हैं जिसमें आप हमें उछाल कर पकड़ते हो? ठीक है, पर दोनों को सिर्फ एक एक बार। ओ, तुम तो पहले से भारी हो गई हो। अब जॉर्ज की बारी। हाँ, मेरी बारी। और ऊपर और ऊपर। दादा पिग थोड़े से थक गए हैं बच्चों। तो दादी पिग, क्यों ना हम पकड़ा पकड़ी खेले? चलो दादी, आपकी बारी। नहीं पकड़ सकते आप। मम्मी पिग और डैडी पिग घर वापस आ गए। हमारे छोटू पिगी सो रहे होंगे। हेलो, कोई जाग रहा है? छोटे पिगी सो रहे हैं और बड़े पिगीज भी। लंच। पेपा और जॉर्ज दादी और दादा पिग के घर लंच पर आए हैं। दादी पिग, दादी एग। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, खाने के लिए बगीचे से कुछ सब्जियां लाना चाहोगे? जी दादी। दादा पिग, दादी। हेलो पेपा, जॉर्ज। ये है दादा पिग का सब्जियों का बगीचा। ये सारी सब्जियां उन्होंने खुद उगाई हैं। ये क्या है? डायनासोर। एक डायनासोर। चलो बच्चों, खाने के लिए कुछ सब्जियां चुनते हैं। पेपा, तुम्हें टमाटर पसंद है? जी दादा पिग। जॉर्ज, क्या तुम्हें टमाटर पसंद है? ना। जॉर्ज को टमाटर पसंद नहीं है। ओहो। तुम्हें सलाद के पत्ते पसंद है? जी दादा पिग। ना। जॉर्ज को सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं। ओफो, मेरे पास कुछ तो ऐसा होगा जो जॉर्ज को पसंद हो। क्या तुम्हें खीरा पसंद है? यक। जॉर्ज को खीरा पसंद नहीं और सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं और टमाटर भी नहीं।
तो जॉर्ज, तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है? चॉकलेट केक। भुत्तू जॉर्ज, चॉकलेट केक कोई सब्जी थोड़ी है। सब्जियों का जब अच्छा सलाद बन जाए तब शायद जॉर्ज को वो पसंद आएंगी। वाह, बढ़िया टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा। पहले इन्हें अच्छे से धोना होगा। पेपा और जॉर्ज दादी पिग की सब्जियां धोने में मदद कर रहे हैं। बस अब धोना बहुत हुआ। दादी पिग ने टमाटर, सलाद पत्ते और खीरे का सलाद बनाया। दादा पिग, सबको लंच पे बुलाइए। लंच। दादी पिग ने खाने में पिज्जा बनाया है। और ये रहा सलाद, दादा के टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा के साथ। खाना शुरू करो। जॉर्ज ने अपना पिज्जा खाया, पर जॉर्ज को टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा पसंद नहीं। ओ जॉर्ज, क्या तुम्हें सलाद पसंद नहीं? नहीं। जॉर्ज, इस ताजे टमाटर का एक टुकड़ा खाकर तो देखो। या। जॉर्ज, ये खीरा है, दादा पिग ने इसे अपने बगीचे में उगाया है। या। सलाद पत्ते का एक टुकड़ा खा लो, बहुत ही स्वादिष्ट है। ओहो, रो नहीं जॉर्ज। देखो मैं क्या बनाता हूँ। अब ये बन गया है डायनासोर। डायनासोर। जॉर्ज को डायनासोर बहुत पसंद है। जॉर्ज टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा खा रहा है। शाबाश जॉर्ज। थोड़ा और लोगे जॉर्ज? पड़ गया। जॉर्ज, क्या तुम और टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा नहीं खा सकते? जॉर्ज का पेट भर गया है। जॉर्ज, क्या तुम्हारा पेट इतना भर गया है कि तुम कुछ भी नहीं खा सकते? जॉर्ज और कुछ भी नहीं खा सकता। ओ, तो तुम ये चॉकलेट केक बिल्कुल नहीं खाना चाहते? चॉकलेट केक। वाह वाह, लगता है जॉर्ज को दोबारा भूख लग गई। कैंपिंग। पेपा और उसका परिवार कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है। हम पहुंच गए। पेपा, जॉर्ज, ये टेंट मैं छोटा था तब से मेरे पास है। डैडी, आप इन चीजों से टेंट कैसे बनाएंगे? चिंता मत करो पेपा, मैं कैंपिंग में एक्सपर्ट हूँ। मम्मी पिग, लकड़ियों पर टेंट लगाओ प्लीज। देखा तुमने, कितना आसान है। ओह, क्या ये खूंटे किसी काम के हैं? बिल्कुल, मैं पेग्स के बारे में तो भूल ही गया। पेग्स के सहारे टेंट खड़ा हो गया। हो गया। ये टेंट थोड़ा छोटा लग रहा है। जब मैं छोटा था तो ये बहुत बड़ा था, लेकिन अब ये छोटा क्यों लग रहा है? क्योंकि तब आप बच्चे थे और अब आप बड़े हो गए हो डैडी पिग। और आपका पेट सबसे बड़ा हो गया है। पेट से याद आया, चलो खाना बनाते हैं। आग जलाने के लिए हमें लकड़ियाँ जमा करनी होगी। पेपा और जॉर्ज कैंप फायर के लिए लकड़ियाँ ढूंढने में डैडी पिग की मदद कर रहे हैं। जॉर्ज, मैं लकड़ियाँ उठाऊंगी और तुम इन्हें पकड़ लेना। लकड़ियाँ इकट्ठा करने में मजा आ रहा है। बहुत अच्छे, इतनी काफी है। बहुत अच्छा कैंप फायर है, अब जलाते हैं। ये रही माचिस। हमें माचिस की जरूरत नहीं है। डैडी, माचिस के बगैर कैसे जलाओगे? मैं पुराने तरीके से आग जलाने वाला हूँ, दो लकड़ियों को एक दूसरे पर घिस कर। डैडी पिग कैंप फायर जलाने के लिए दो लकड़ियाँ एक दूसरे पर घिस रहे हैं। आग कहाँ है डैडी? थोड़ा सब्र करो। वाह! देखा कितना आसान है। अब हम टमाटर का सूप गर्म कर सकते हैं। आ,
प्रकृति की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये कैसी आवाज है? ये कीड़ों की चीची आवाज है। ये किसकी आवाज थी? वो उल्लू है, देखो वहाँ पर। वाह! और ये कैसी आवाज है? ओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये डैडी के पेट की आवाज है। मेरे पेट की आवाज प्रकृति की सबसे अच्छी आवाज है। इसका मतलब खाने का वक्त हो गया। मुझे टमाटर सूप बहुत पसंद है। मुझे भी। और अब सुनो डैडी पिग की एक और आवाज। क्या? चलो बच्चों, टेंट के अंदर अब सोते हैं। हम सब इसमें कैसे जा पाएंगे? ये तो बहुत छोटा सा है। सब ठीक है, जाओ तो अंदर। चलो मम्मी पिग, थोड़ी जगा दो मुझे। डैडी, आप इस टेंट के लिए बहुत बड़े हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे बाहर सोना अच्छा लगता है। गुड नाइट डैडी पिग। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट। सबको गुड नाइट। मम्मी पिग, पेपा और जॉर्ज टेंट में सो रहे हैं और डैडी पिग बाहर सो रहे हैं तारों के नीचे। मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है, खुली हवा में तारों के नीचे सोना। शायद ये आइडिया कुछ खास नहीं था। सुबह हो गई है। डैडी, टेंट में बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया। ओह, डैडी कहाँ है? डैडी पिग चले गए। बेचारे डैडी पिग, बारिश की वजह से उन्हें ठंड लग रही होगी। अब कहाँ है वो? ये कैसी आवाज है? ये तो खर्राटों की आवाज लग रही है। डैडी पिग। क्या हुआ? डैडी आप ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? कैंपिंग में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं गाड़ी में आकर सो गया। बुद्धू डैडी पिग। मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है। ड्रेस पार्टी। पेपा और जॉर्ज के यहाँ फैंसी ड्रेस पार्टी है। उन्होंने अपने सभी दोस्तों को बुलाया है। पेपा ने परियों की राजकुमारी की ड्रेस पहनी है और जॉर्ज ने डायनासोर की ड्रेस पहनी है। ये है पेपा के दोस्त डैनी कैट, सुजी शीप, डैनी डॉग, रेबेका रैबिट और पेड्रो पोनी। सुजी ने नर्स की ड्रेस पहनी है। हेलो सुजी। हेलो मिस्टर पिग। मुझे खुशी है कि नर्स आ गई। क्या तुम अभी अस्पताल से आई हो? मैं असली नर्स नहीं हूँ, मैं तो फैंसी ड्रेस वाली नर्स हूँ। बहुत अच्छे। अरे वाह, ये कौन आए हैं? मैं हूँ पायरेट, मुझसे सब डरो। मैं जादूगरनी हूँ, मैं तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। नहीं, मैं एक जोकर हूँ। बहुत अच्छे। तुम क्या बनी हो रेबेका रैबिट? मैं गाजर हूँ। बढ़िया, अंदर आ जाओ। एक फेरी प्रिंसेस और डायनासोर तुम सबसे मिलने के लिए रुके हैं। कैसे हो दोस्तों? हेलो पेपा। हेलो सुजी, मैं हूँ राजकुमारी पेपा। तुम्हें मुझसे झुक कर बात करनी चाहिए। हेलो राजकुमारी। मैं हूँ नर्स सुजी। मुंह खोल कर कहिए आ, आ। नहीं, मैं हूँ जोकर। कुछ मजेदार करो। रिबेका, तुम गाजर की ड्रेस में क्यों हो? मुझे गाजर पसंद है। डायनासोर। बाप रे, डरावना डायनासोर। पेपा आईने में खुद को खुशी से देख रही है। दीवार पर टंगे हुए आईने, बताओ सबसे सुंदर कौन है? तुम हो पेपा। हेलो पेपा। हेलो, मैं परियों की राजकुमारी हूँ। और मैं जादूगरनी। मेरे पास एक जादुई छड़ी है। मेरे पास भी जादुई छड़ी है। मैं तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। और मैं भी तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। ओहो, जॉर्ज तो खुद को देखकर ही डर गया। ओफो जॉर्ज, देखो आईने में तुम ही हो।
बच्चों अब ये तय करना है कि सबसे अच्छा फैंसी ड्रेस किसने पहना है। अब जज कौन बनेगा? ये पेपा की पार्टी है तो जज भी उसे बनना चाहिए। मैं जज हूँ, मैं जज हूँ। डैडी, जज क्या होता है? जज तय करेगा सबसे अच्छा ड्रेस किसका है। अरे वाह, पेपा ये तय करेगी कि किसकी ड्रेस सबसे अच्छी है। सूजी, क्या मैं तुम्हारा ड्रेस देख सकती हूँ? मैं नर्स सूजी हूँ, मैं लोगों को ठीक करती हूँ। शाबाश नर्स सूजी। अब डैनी। मैं हूँ पायरेट, मुझसे सब डरो। अब कैंडी। म्याऊ। मैं जादूगरनी हूँ, मैं तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। मैं परियों की राजकुमारी और मैं तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। बच्चों बच्चों। सॉरी मम्मी। अब कौन? मैं जोकर हूँ। कितना मजेदार है। और रिबेका? मैं गाजर हूँ। अरे वाह। और मेरा छोटा भाई जॉर्ज डरावना डायनासोर बना है। सबके ड्रेस बहुत अच्छे हैं। अब तुम बताओ विजेता कौन है? अरे हाँ, और विजेता है पेपा। पेपा तुम खुद को नहीं चुन सकती, तुम जज हो। ओह, नहीं कर सकती। तुम्हें कोई और विजेता चुनना होगा। ठीक है, गाजर जीती। वाह, थैंक यू। पेपा को फैंसी ड्रेस पार्टी बहुत पसंद है। सभी को फैंसी ड्रेस पार्टी बहुत पसंद है। गर्मी का दिन, सूरज चमक रहा है, बहुत ज्यादा धूप है। कितना प्यारा सुहाना दिन है। पेपा और जॉर्ज ने अपने जूते पहने हुए हैं मिट्टी के गड्ढों में कूदने के लिए। मुझे मिट्टी के गड्ढे बहुत पसंद है। ओफो, धूप इतनी तेज है कि सारे गड्ढे सूख गए हैं। मम्मी डैडी, गड्ढे सारे सूख गए हैं और हम उनमें कूद नहीं सकते। कोई बात नहीं पेपा, इतनी धूप है तो तुम अपने स्विमिंग पूल में खेल सकती हो। हाँ, स्विमिंग पूल। लेकिन पहले तुम्हें अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने होंगे। जी मम्मी पिग। पेपा और जॉर्ज ने अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिए हैं। मम्मी पिग ने भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया है और डैडी पिग ने भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया है। बहुत धूप है, तुम्हें सनक्रीम की जरूरत पड़ेगी। याक, बहुत चिपचिपा और गंदा है। याक। इसकी क्या जरूरत है? है, आज हम सबको जरूरत है। चलो जॉर्ज, इस पैडलिंग पूल में हम थोड़ी हवा भर देते हैं। डैडी पिग पैडलिंग पूल में हवा भर रहे हैं। कितना आसान है। पेपा ने पाइप पकड़ी और मम्मी ने पानी शुरू कर दिया। पानी कहाँ है? पेपा और जॉर्ज को अपना पैडलिंग पूल बहुत पसंद है। आइसक्रीम, आइसक्रीम। मिस रैबिट आइसक्रीम लाई है। आइसक्रीम। गर्मी के दिनों में मिस रैबिट आइसक्रीम बेचती है। मम्मी, डैडी, क्या जॉर्ज और मैं आइसक्रीम खा सकते हैं? अच्छा ठीक है, वैसे भी आज बहुत ज्यादा गर्मी है। हुरे! क्या मुझे भी आइसक्रीम मिलेगी? सबको आइसक्रीम पसंद है। हेलो मम्मी पिग, पेपा और जॉर्ज। हेलो मिस रैबिट, आपको कौन सी आइसक्रीम चाहिए? क्या मुझे कोन मिल सकता है प्लीज? हाँ जरूर मिल सकता है पेपा। थैंक यू। मेरे लिए और डैडी पिक के लिए भी वही देना प्लीज। और छोटे मिस्टर जॉर्ज को क्या चाहिए? डायनासोर। डायनासोर? बुद्धू जॉर्ज, वो हर चीज के लिए डायनासोर कहता है। पर अच्छी बात ये है कि मेरे पास डायनासोर की आकार में एक कैंडी है, ये लो। डायनासोर। जॉर्ज, पिघलने से पहले अपनी आइस कैंडी खत्म करो।
निशा। जॉर्ज को डायनासोर की आइस कैंडी इतनी पसंद है कि वो उसे खत्म नहीं करना चाहता। थैंक यू मिस रैबिट। सब मजे करो। जॉर्ज, मुझे लगता है तुम्हें अपनी आइस कैंडी खत्म करनी चाहिए पिघलने और जमीन पर गिरने से पहले। ओहो, जॉर्ज की डायनासोर आइस कैंडी पिघलकर जमीन पर गिर गई। कोई बात नहीं जॉर्ज, तुम डैडी की आइसक्रीम में से खा सकते हो, वो बुरा नहीं मानेंगे। इतनी ज्यादा गर्मी है कि डैडी पिक सो गए। डैडी पिक को गर्मी लग रही है। चलो उन्हें ठंडा करने के लिए उन पर पानी डालते हैं। अच्छा आइडिया है पापा। क्या हुआ? आप गर्मी से पूरे लाल हो गए थे, इसीलिए हमने आप पर पानी डाला। ओह अच्छा, थैंक यू पापा। देखो पानी के गड्ढे। चलो जॉर्ज जूते पहनो। पेपा और जॉर्ज ने अपने जूते पहने हैं। पेपा और जॉर्ज को ऐसा गर्मी वाला दिन पसंद है, पर सबसे ज्यादा उन्हें गड्ढों में ऊपर नीचे कूदना पसंद है। पेपा और जॉर्ज लुका छिपी खेल रहे हैं। ये जॉर्ज के छुपने की बारी है, उसे जल्दी ही छुपने की कोई जगह ढूंढनी होगी इससे पहले कि पेपा गिनती पूरी कर ले। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। जॉर्ज को बिल्कुल समय पर छुपने की एक जगह मिल गई है। दस। तैयार हो या नहीं, मैं आ रही हूँ। पेपा को ढूंढना है कि जॉर्ज कहाँ छुपा है। तुम्हें ढूंढ लिया। पापा ने जॉर्ज को ढूंढ लिया। जॉर्ज, मैं तुम्हें आसानी से देख सकती थी। अब पापा की बारी है छुपने की। तीन। मैं जॉर्ज की गिनने में मदद करूंगी। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस। ठीक है जॉर्ज, अपनी आंखें खोलो। जॉर्ज को ढूंढना है कि पेपा कहाँ छुपी है। आओ। पेपा मेज के नीचे नहीं छुपी है। जॉर्ज, क्या तुमने ऊपर ढूंढने के बारे में सोचा है? पेपा बिस्तर के नीचे नहीं है। वो कैसी अजीब सी आवाज थी? पेपा पर्दे के पीछे भी नहीं है। फिर से वही अजीब सी आवाज। वो क्या हो सकता है? जॉर्ज ने ढूंढ लिया कि पेपा कहाँ छुपी थी। जॉर्ज ने मुझे ढूंढ लिया। अब डैडी के छुपने की बारी है। मुझे लगता है जॉर्ज को एक और बारी मिलनी चाहिए। लेकिन जॉर्ज को ठीक से छुपना नहीं आता। मुझे यकीन है इस बार वो अच्छा खेलेगा। अपनी आंखें बंद करो और गिनती शुरू करो। एक, दो, ओह डियर, पेपा आसानी से जॉर्ज को ढूंढ लेगी। पांच, छह, जॉर्ज यहाँ पर आ जाओ। सात, आठ, नौ, दस। तैयार हो या नहीं, मैं आ रही हूँ। ओह, जॉर्ज मेज के नीचे नहीं छुपा है। लेकिन जॉर्ज तो हमेशा मेज के नीचे छुपता है। क्या तुमने ऊपर ढूंढने के बारे में सोचा? मैं जानती हूँ वो कहाँ है। जॉर्ज खिलौनों की टोकरी में है। ओह, जॉर्ज खिलौनों की टोकरी में नहीं है। वो कहाँ हो सकता है? पेपा को जॉर्ज कहीं नहीं मिला। डैडी, मुझे जॉर्ज कहीं नहीं मिला।
ओ डियर, मैं सोचता हूँ वो कहाँ हो सकता है। असल में मुझे लगता है इस न्यूज़पेपर में जॉर्ज के बारे में कुछ है। जॉर्ज, तुम्हें ढूंढ लिया। ओ जॉर्ज, वो छुपने की अच्छी जगह थी। जॉर्ज पूरा समय डैडी पिग के न्यूज़पेपर के पीछे छिपा रहा। डैडी लूजेस हिज ग्लासेस। डैडी पिग चश्मा पहनते हैं। उन्हें साफ देखने के लिए चश्मा पहनना पड़ता है। जब डैडी पिग चश्मा पहनते हैं तो उन्हें सब कुछ साफ दिखता है, लेकिन जब डैडी पिग चश्मा उतार देते हैं तो उन्हें चीजें साफ नहीं दिखती हैं। सब कुछ हल्का और धुंधला दिखता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि डैडी पिग को पता हो कि उनका चश्मा कहाँ है। कभी कभी डैडी पिग अपना चश्मा खो देते हैं। पेपा, जॉर्ज, क्या तुमने डैडी पिग का चश्मा देखा है? उन्हें वो कहीं नहीं मिल रहा। नहीं मम्मी। पेपा और जॉर्ज नहीं जानते कि डैडी पिग का चश्मा कहाँ है। ओह डियर, डैडी पिग उसके बिना कुछ नहीं देख पाते और फिर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। बिना अपना चश्मा पहने डैडी पिग अपना अखबार नहीं पढ़ सकते। ये बहुत अजीब है, मैं कुछ नहीं देख सकता। किसी ने तो मेरा चश्मा कहीं रखा होगा। क्या आपको याद है आपने उन्हें आखिरी बार कहाँ रखा था? जब मैं वो नहीं पहनता तो हमेशा उसे अपनी जेब में रखता हूँ, लेकिन अब वो वहाँ नहीं है। डैडी, क्या हम चश्मा ढूंढने में आपकी मदद करें? अच्छा आइडिया है। अगर उसे ढूंढ लोगी तो डैडी चिड़चिड़ाना बंद कर देंगे। मैं चिड़चिड़ा नहीं रहा हूँ। पेपा और जॉर्ज डैडी का चश्मा ढूंढ रहे हैं। पेपा अखबार के नीचे देखती है, लेकिन डैडी पिग का चश्मा वहाँ नहीं है। जॉर्ज टीवी के ऊपर देखता है, लेकिन डैडी पिग का चश्मा वहाँ भी नहीं है। चलो ऊपर मम्मी डैडी के बेडरूम में देखते हैं। पेपा और जॉर्ज मम्मी और डैडी पिग के बेडरूम में ढूंढ रहे हैं। जॉर्ज, ध्यान से किसी चीज से टकरा मत जाना। ये कोई मजाक नहीं है। पेपा तकिए के नीचे देखती है, लेकिन डैडी पिग का चश्मा वहाँ भी नहीं है। जॉर्ज डैडी के स्लीपर्स में देखता है, लेकिन चश्मा वहाँ भी नहीं है। चलो बाथरूम में देखते हैं। पेपा और जॉर्ज बाथरूम में ढूंढ रहे हैं। चश्मा टब में नहीं है। चश्मा टॉयलेट में भी नहीं है। ये बहुत मुश्किल है। पेपा और जॉर्ज को डैडी पिग का चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है। हमने सब जगह देखा, लेकिन हमें डैडी का चश्मा नहीं मिला। ओह डियर, अब हम क्या करें? लगता है मुझे उसके बिना ही काम चलाना होगा। अगर मैं धीरे चलूंगा तो मैं चीजों से नहीं टकराऊंगा। ये यहाँ है डैडी का चश्मा। डैडी पिग, आप तब से उसी पर बैठे हुए थे। ओह। अब भी ना डैडी। पता नहीं ये यहाँ कैसे पहुँचा। मैं जानती हूँ कैसे। आप थोड़े भुलक्कड़ तो हैं डैडी पिग, लेकिन अब आप चिड़चिड़े तो नहीं हैं। मैं चिड़चिड़ा नहीं रहा था।
गार्डनिंग। पेपा और जॉर्ज ग्रैनी पिग और ग्रैंडपा पिग के घर खेल रहे हैं। ग्रैंडपा पकड़ो। पकड़ो। ओ ये क्या है? डायनासोर। एक डायनासोर। ग्रैंडपा क्या कर रहे हैं? मैं ये बीज बो रहा हूँ। बीज? बीज क्या करते हैं? बीज बड़े होकर पौधे बनते हैं। मैं बस एक छोटा छेद बनाऊंगा और उसमें बीज डाल दूंगा। फिर मैं इसे मिट्टी से ढक दूंगा और पानी डालूंगा। मेरे बाग की हर चीज इन छोटे बीजों से ही उगी है। ये बड़ा सेब का पेड़ भी? ओ हाँ, ये छोटा बीज बड़ा होकर एक छोटा सेब का पेड़ बन जाएगा इस तरह। और ये छोटा सेब का पेड़ बन जाएगा एक बड़ा सेब का पेड़ इस तरह। और इस सेब में बहुत सारे बीज हैं। और सेब के पेड़ उगाने के लिए? बिल्कुल ठीक। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, मुझे भी एक बीज लगाना है। क्या तुम एक स्ट्रॉबेरी का बीज लगाओगी? हाँ बिल्कुल। ये बीज बढ़कर एक प्यारा स्ट्रॉबेरी का पौधा बन जाएगा। पहले एक छोटा छेद बनाओ। फिर मैं ये बीज डालूंगी और मिट्टी से ढक दूंगी। क्या मैं इसमें पानी डालूं? नहीं नहीं, मैं पानी डालूंगी। ठीक है, अब हमें इसके बढ़ने का इंतजार करना है। पेपा और जॉर्ज बीज के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम्हें धीरज रखना होगा पेपा, इसको बढ़ने में बहुत समय लगेगा। पेपा, जॉर्ज, घर जाने का समय हो गया। लेकिन हम इस पौधे के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे चाय के साथ स्ट्रॉबेरीज चाहिए। चिंता मत करो पेपा, अगली बार जब तुम आओगी तो ये बीज एक पौधा बन चुका होगा। और फिर हमें स्ट्रॉबेरीज मिलेंगी। हाँ। आओ चले पेपा। बाय बाय ग्रैंडपा, बाय बाय स्ट्रॉबेरी। ग्रैंडपा पिग पेपा के स्ट्रॉबेरी के पौधे की देखभाल करते हैं। कुछ दिनों बाद ग्रैंडपा पिग एक छोटे से पौधे को बड़ा हुआ देखते हैं। धीरे धीरे पौधा बड़ा और बड़ा होता गया। फिर एक दिन ग्रैंडपा पिग को बहुत खास कुछ दिखा। स्ट्रॉबेरीज। ग्रैंडपा हम आ गए। पेपा और जॉर्ज फिर से खेलने आए हैं। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, क्या मेरा पौधा बढ़ गया? हाँ, देखो। स्ट्रॉबेरीज। शुक्रिया ग्रैंडपा। ग्रैंडपा, क्या हम कुछ और उगा सकते हैं? हाँ, अब जॉर्ज की बारी है लगाने की। हाँ जॉर्ज, तुम लगाओ गाजर। ग्रैंडपा, मेरे ख्याल से जॉर्ज गाजर लगाना चाहता है। जॉर्ज, क्या तुम गाजर उगाना चाहते हो? ना। तुम क्या उगाना चाहते हो? जॉर्ज ने कुछ सोच लिया है जो वो उगाना चाहता है। जॉर्ज उगाना चाहता है एक डायनासोर पेड़। तुम भी जॉर्ज, डायनासोर पेड़ पर नहीं उगते हैं। डायनासोर। पिकनिक। ये एक बड़ा प्यारा सा सुहाना दिन है। पेपा और उसका परिवार पिकनिक के लिए जा रहे हैं। डैडी पिग पिकनिक की टोकरी ला रहे हैं। पिकनिक ब्लैंकेट, ब्रेड, चीज, टमाटर और लेमोनेड। हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं ना? मम्मी का स्ट्रॉबेरी केक।
ओहो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मम्मी का घर का बनाया स्ट्रॉबेरी केक कहाँ है? सब तैयार? तैयार। तो फिर चलो। ये हमारी पिकनिक के लिए बहुत सही जगह है। बाहर अच्छा लगता है। हमें थोड़ा दौड़ना चाहिए और थोड़ी कसरत करनी चाहिए। मैं तो खाना चाहती हूँ और सोना चाहती हूँ, और दौड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहती। मुझे लगता है डैडी को थोड़ा दौड़ना चाहिए, उनका पेट बहुत बड़ा है। पर मेरा पेट बड़ा नहीं है, लेकिन मैं बाद में थोड़ी कसरत करूँगा, चाहे कोई और करे ना करे। चलो खाते हैं। अच्छा आइडिया है मम्मी पिग, मुझे बहुत भूख लगी है। स्वादिष्ट है। मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे लगा था तुम थोड़ा दौड़ोगे डैडी पिग। बाद में। देखो वहाँ तालाब में बत्तख है। मम्मी क्या हम बत्तखों को खिला सकते हैं? हाँ, तुम उन्हें ब्रेड खिला सकती हो। पेपा और जॉर्ज को बत्तखों को खिलाना अच्छा लग रहा है। मम्मी मुझे लगता है उन्हें थोड़ा और चाहिए। पेपा वो आखिरी ब्रेड थी और उन्होंने काफी खा लिया है। मुझे माफ कीजिए, हमारे पास और ब्रेड नहीं है। बत्तखों को और खाना चाहिए। लगता है डैडी पिग ने कुछ ज्यादा ही कसरत कर ली है। क्या? अब तुम यहाँ क्यों आई? पेपा ने तुम्हें बताया ना, यहाँ और ब्रेड नहीं है। मम्मी हमारे पास स्ट्रॉबेरी केक है। ठीक है, अगर केक बच गया तो तुम उन्हें खिला सकती हो। मम्मी पिग का घर का बनाया स्ट्रॉबेरी केक सबको पसंद आया। एक मक्खी, मुझे मक्खियों से चिढ़ है। शू। चिढ़ने की क्या बात है मम्मी पिग, ये सिर्फ एक मक्खी ही तो है। चलो जाओ मक्खी। बिल्कुल हिलना मत मम्मी पिग, ये उड़ जाएगी। देखा तुमने, तुम्हें कहा था बस हिलना मत। अरे चली जाओ। बचाओ, इसे भगाओ, भगाओ इसे। उम्मीद है मक्खी डैडी को काटेगी नहीं। दूर हटो छोटी सी मक्खी। नहीं, डैडी मक्खी से बहुत ज्यादा तेज भाग रहे हैं। इसके पहले कि मक्खी वापस आ जाए हमें केक खा लेना चाहिए। ओ नहीं, हम बत्तखों के लिए बचाना तो भूल ही गए। मेरे ख्याल से वो चली गई है। आपने कहा तो था कि आप दौड़ेंगे और कसरत करेंगे डैडी पिग, लेकिन यकीन नहीं होता कि ऐसा किया। अच्छा हुआ मैंने अपना स्ट्रॉबेरी केक किसी तरह से बचा लिया। रुकिए डैडी, हमने बचा हुआ केक बत्तखों को खिलाने का वादा किया है। ओ तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। चलो डैडी को शुक्रिया कहो। तुम्हारा स्वागत है। घर जाने का समय हो गया, बत्तखों को गुड बाय कहो। बाय बाय बत्तख, तुमसे फिर मिलेंगे। हवा महल। पेपा और उसका परिवार बाहर घूमने जा रहे हैं। पेपा, जॉर्ज, आज हम हवा महल देखने जा रहे हैं। हवा महल क्या है डैडी? ये एक महल है ऊंची पहाड़ी पर। जॉर्ज को महल अच्छे लगते हैं। हवा महल एक बहुत ही बोरिंग जगह लगती है। नहीं पेपा, तुम्हें पसंद आएगा। हवा महल के ऊपर से सब सुंदर दिखता है और तुम्हें दादा और दादी पिक का घर भी दिख सकता है। वाह, चलो चले। मैं मैप पढ़ूंगा और मम्मी पिग गाड़ी चलाएंगी। सोच लीजिए डैडी पिग, मैप पढ़ने पर आप खो जाते हो और चिड़चिड़े हो जाते हो। हम गुम नहीं होंगे और मैं चिड़चिड़ा भी नहीं होऊंगा। हवा महल हम आ रहे हैं। क्या हम वहाँ पहुँच रहे हैं?
अभी नहीं। क्यों ना हम कोई गेम खेलें? जी डैडी, हम पहचानो क्या खेलते हैं। ठीक है, पहले मैं पूछूंगा। डैडी पिक किसी चीज के बारे में क्लू देंगे और दूसरों को ये पहचानना है कि वो क्या है। मैं अपनी छोटी छोटी आँखों से कुछ लाल देख रहा हूँ, बताओ। लाल? मेरी ड्रेस, ये लाल है। नहीं, तुम्हारी ड्रेस जैसा लाल नहीं। गाड़ी? सही जवाब, अपनी लाल गाड़ी। मेरी बारी। मैं अपनी छोटी आँख से कुछ नीला देख रही हूँ। जॉर्ज की नीली शर्ट? नहीं। नीले रंग का गाड़ी में कुछ है? नहीं, हार गए। हार गए। आकाश, नीला आकाश, मैं जीत गई। डैडी पिग, क्या आपको पता है हम कहाँ हैं? मुझे बिल्कुल पता है हम कहाँ पर हैं। ये रास्ता मैप के रास्ते जैसा तो नहीं लग रहा है। ओ डैडी पिग, हम खो गए हैं। हम नहीं खोए हैं। तो हम यहाँ से हवा महल तक कैसे पहुँचेंगे? जरा एक मिनट रुको। सुनिए, हम दादा और दादी को फोन करते हैं। दादा और दादी पिक को फोन करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ले जाऊंगा हवा महल चाहे पूरा दिन लग जाए। पर हमारे पास पूरा दिन नहीं है। हेलो, दादा पिक बोल रहा हूँ। दादा पिक, हम हवा महल तक पहुँचने के रास्ते में खो गए हैं। ओ, हो, 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 क्या डैडी पिक नक्शा पढ़ रहा है? हाँ, डैडी पिक मैप पढ़ रहे हैं और अभी थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं। मैं चिड़चिड़ा नहीं हुआ हूँ। ये सबसे अच्छा रास्ता है। जब तक तुम्हें अपने सामने ऊपर की तरफ हवा महल दिखता नहीं, मेन रोड पर चलते जाओ। थैंक यू दादा पिग। हमें मेन रोड पकड़कर हवा महल तक पहुँचना है। जैसा मुझे लगा था। देखो, क्या वो हवा महल है? हाँ, वही है हवा महल। चलो गाड़ी, चलो गाड़ी, तुम चढ़ सकती हो। हुरे! पेपा और उसका परिवार हवा महल पहुंच गए। वाह, ये कितना ऊंचा है। चलो अंदर चले, ऊपर से नीचे का नजारा बहुत सुंदर दिखेगा। वाह, जरा नजारा तो देखो। मम्मी, क्या वो दादी दादा का घर है? हाँ, वही है। कितना दूर है। चलो अब दूरबीन से देखते हैं। क्या मैं पहले देख सकती हूँ प्लीज? ठीक है, लेकिन उसके बाद जॉर्ज को देखने देना। वाह, दूरबीन से सब कुछ ज्यादा बड़ा दिखता है। मुझे दादी और दादा दिख रहे हैं। देखो जॉर्ज। दादी एक, दादा एक। जॉर्ज दादी और दादा पिक की तरफ हाथ हिला रहा है। बुद्धू जॉर्ज, दादी और दादा इतनी दूर से तुम्हें हाथ हिलाते नहीं देख सकते। तो ठीक है, हम उन्हें फोन करते हैं। हेलो दादा पिक, हम आपको हवा महल से देख सकते हैं, हमारी तरफ हाथ हिलाइए। दादी और दादा हमें हाय बोल रहे हैं। हवा महल बहुत अच्छा है। पैनकेक्स। चाय का वक्त है और मम्मी पिग सबको सरप्राइज देने वाली हैं। आज है पैनकेक्स का दिन। पैनकेक्स, यम्मी, अरे वाह। मुझे पैनकेक्स बहुत पसंद है। सबको पैनकेक्स बहुत पसंद है। मैं पैनकेक्स पलटने में बहुत ही माहिर हूँ, ये मुझ पर छोड़ दो। पक्का ना डैडी पिग? पिछली बार पैनकेक जमीन पर गिराने से आप जरा चिड़चिड़े हो गए थे। मैं चिड़चिड़ा नहीं हुआ था, वो तो उस तवे की प्रॉब्लम थी। मामी, क्या हम भी पैनकेक बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं? तुम आटा बनाने में मेरी मदद कर सकते हो। पहले मैं बाउल में सूखा आटा डालूंगी। अब मैं अंडा डालूंगी। अब दूध, फिर सबको हिलाऊंगी। मम्मी, क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ जरूर पेपा। पेपा को ये करने में बहुत मजा आ रहा है, जॉर्ज भी उसका साथ दे रहा है। नहीं जॉर्ज, ऐसे मत करो। अच्छा अब बहुत हुआ हिलाना, मैं पैनकेक्स बनाती हूँ, तुम दोनों टेबल पर बैठो।
मम्मी पिग अब पैनकेक को पलटेंगी। उसे थोड़ा और ऊपर उछाल सकते हो मम्मी पिग। जब अपना पैनकेक उछालोगे ना तब हमें सिखाना डैडी पिग। मम्मी पिग ने जॉर्ज के पैनकेक के ऊपर थोड़ा सिरप डाला। यम्मी। ये पैनकेक पेपा के लिए है। तुम इसे और ऊपर उछाल सकते हो मम्मी पिग। जब अपना पैनकेक उछालोगे तब मुझे दिखाने का चांस तुम्हें मिलेगा डैडी पिग। सिरप प्लीज। यम्मी। ये पैनकेक मम्मी पिग के लिए है। हुरे! अब भी उन्हें ज्यादा ऊंचा नहीं उछाल रहे मम्मी पिग। अगला पैनकेक आपका ही है डैडी पिग, तो अब आप ही करके बताइए। बहुत यम्मी है। अब सबकी नजर मुझ पर हो। एक अच्छा पैनकेक बनाने का राज उसे हवा में ऊपर उछालना होता है। एक, दो और तीन। बुद्धू डैडी। ओह, मैंने कुछ ज्यादा ही ऊपर उछाल दिया। अब क्या करे, ये तो आखिरी पैनकेक था। इसे नीचे लाना बहुत ही आसान है। ओफो, डैडी पिग अपने पैनकेक तक नहीं पहुंच पा रहे। फिक्र मत करो डैडी पिग, शायद उसे मैं निकाल सकती हूँ। चलो ऊपर चले बच्चों। मम्मी पिग क्या प्लान बना रही हैं? तीन की गिनती होने पर हम सबको ऊपर नीचे कूदना है, ठीक है? एक, दो, तीन, कूदो। ये सब कर क्या रहे हैं? काम हो गया। अब डैडी पिग को उनका पैनकेक मिल गया। डैडी के सिर पर पैनकेक है। आपके पैनकेक पर सिरप डैडी पिग? ठीक है, डालो। एक, दो और तीन। यम्मी पैनकेक। ट्रेजर हंट। दादा और दादी पिग पेपा और जॉर्ज के लिए ट्रेजर हंट बना रहे हैं। दादी पिग ट्रेजर का मैप बना रही हैं। दादा पिग बगीचे में ट्रेजर को छुपाने के लिए जगह खोद रहे हैं। दादा पिग, आपका काम हो गया? पापा और जॉर्ज आते ही होंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं दादी पिग। पापा और उसका परिवार आ गया है। जल्दी करो दादा पिग, वो आ गए। ओह, बस हो ही गया। दादा पिग ने बिल्कुल वक्त पर काम खत्म कर दिया। दादी पिग, हम आ गए। क्या कीजिए? हेलो मेरे प्यारे बच्चों। दादा पिग। दादा जी। ओह, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? पेपा, जॉर्ज तुम्हारे लिए ट्रेजर हंट बनाया है। बगीचे में ही कहीं छुपा हुआ है खजाना। वाओ, खजाना! कहाँ है वो? ओह, वो तो तुम्हें ढूंढना होगा। ये रहा खजाने तक जाने का नक्शा। और जॉर्ज मेरा पायरेट हैट पहन सकता है। ओ हेलो कैप्टन जॉर्ज। ये मैप थोड़ा मुश्किल है, डैडी आप मदद कीजिए। क्यों नहीं पापा, मुझे मैप पढ़ना आता है। ये थोड़ा मुश्किल है। डैडी पिग, आपने नक्शा उल्टा पकड़ा है। अच्छा, मुझे भी ऐसे लगा था। ये आसान है, लाल क्रॉस दिखाता है खजाना कहाँ है। लेकिन गार्डन में वो दो सेब के पेड़ कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हें मदद चाहिए? हाँ प्लीज। पहला क्लू बोतल में है, लेकिन बोतल कहाँ है?
मुझे दिख गई। पेपा ने पहला क्लू ढूंढ लिया है। बॉटल में मैसेज है। देखिए ये रही बॉटल। शाबाश पेपा, देखते हैं मैसेज में क्या लिखा है। ओ, ये तो एक पायरेट का मैसेज है। मम्मी क्या आप मैसेज पढ़ सकती हैं? इस समुद्री डाकू की राइटिंग बहुत ही खराब है। नहीं नहीं, पायरेट की लिखावट बहुत अच्छी है। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। पायरेट ने लिखा है, निशानों का पीछा करो। निशान का पीछा करो। जॉर्ज को दूसरा क्लू मिला है, कुछ एरोस के निशान जो लकड़ियों से बने। देखो वो उस तरफ जा रहे हैं। पेपा और जॉर्ज एरोस का पीछा कर रहे हैं। देखो जॉर्ज एक चाबी। पेपा को अगला क्लू मिला है, एक चाबी। बहुत अच्छे पेपा, अब सिर्फ तुम्हें खजाने का बॉक्स ढूंढना है जो इसे खुलेगा। लेकिन यहाँ और कोई क्लू नहीं है। तुम्हें नक्शे को ठीक से देखना चाहिए। देखो पेपा, नक्शे में दो सेब के पेड़ भी हैं। यहाँ एक सेब का पेड़ है और ये रहा दूसरा सेब का पेड़। इसका मतलब खजाना यहाँ है। तो चलो देखते हैं। ओ नहीं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। जरा रुको, यहाँ पर कुछ है। वाओ, खजाना। मेरे पास इसकी चाबी है। वाओ, यकीन नहीं होता, सोने के सिक्के, ये तो बहुत कीमती होंगे। हाँ, उससे भी ज्यादा, ये सोने के सिक्के नहीं हैं। ये तो चॉकलेट के सिक्के हैं। और यहाँ सबके लिए चॉकलेट के सिक्के हैं। पेपा और जॉर्ज को चॉकलेट के सिक्के पसंद हैं। सभी को चॉकलेट के सिक्के पसंद हैं। दादी दादा, ये सबसे अच्छे खजाने की खोज थी।